भावना के पापा को तूने फोन किया था? क्यों, तुझे घर से बाहर निकाल दिया क्या? कोई कुछ कहे और प्यार टूट जाए तो उस प्यार का फायदा क्या है? ए, मेरे प्यार के बारे में बोलने वाला तू कौन होता है? कह रहे तूने मेरे आईजी को फोन करके मेरा कैरेक्टर छोटा किया। मैंने तो तेरा कैरेक्टर मशहूर कर दिया। ए, मैंने तुझसे कहा था ना कि पुलिस के हाथे मत चढ़ना। कैसी वजह तेरी? ओ, अब सारा कनेक्शन समझ में आ गया। बेसिकली तेरे प्यार का ब्रेक ऑफ हो गया ना, इसीलिए मेरा प्यार देखकर जलन होती है तुझे। ए, ये क्या बकवास कर रहा है? तेरी पर्सनल बातों के बारे में बात करूं तो तुझे गुस्सा आता है ना, उतना ही गुस्सा मुझे भी आता है। मैंने उन्हें बताया, मेरी इज्जत खराब ना हो इसलिए बताया। तू मेरे पास रहता है, अगर कल को कुछ ऊंच नीच हुई तो वो मेरे पास आएंगे और कहेंगे एक पुलिस वाला होकर मैं अपने भाई को कंट्रोल नहीं कर पाया तो पूरे शहर को क्या कंट्रोल करूंगा मैं ऐसा कभी नहीं। इसीलिए मैंने खुद फोन करके बताया, मेरा भाई गैर जिम्मेदार है, रास्ते का लोफर। अचानक मेरे बारे में इतना रिस्पॉन्सिबल कब से हो गया तू? सब भूल गया? याद दिला तुझे, वीजा के लिए तुझे 10 लाख रुपए दिए थे ना, क्या किया उनका? जवाब है कोई तेरे पास? अपने दोस्तों के साथ अय्याशी में उड़ा दी, पता है कितनी मेहनत लगती कमाने में। ए, कमाने की बात मत कर, पुलिस का काम करके कमाए थे क्या? गलत तरीके से नहीं कमाए, इसकी गारंटी दे सकता है? जो कहना तू मेरे बारे में कहे, लेकिन मेरी ईमानदारी पर उंगली मत उठा। 1000 बार उठाऊंगा, तूने वो पैसे रिश्वत लेकर नहीं कमाए हैं, इसकी क्या गारंटी है? तूने मेरी गर्लफ्रेंड को फेल किया, मेरी के लिए तीनों इंतजार कर रहे थे। भैया से बदला लेने के लिए लकी, शिवा रेड्डी को अरेस्ट करने के लिए राम और नॉमिनेशन भरने के लिए शिवा रेड्डी, इनका क्या होगा ये तो वक्त ही बताएगा। इसमें शिवा रेड्डी की पूरी कुंडली है सबूत के साथ, उसे अरेस्ट कर सकते हो। इसी फाइल की वजह से मेरा बेटा मारा गया। मेरी नजर में कोई भरोसेमंद नहीं था, लेकिन मैं आज तुम पर भरोसा कर रहा हूँ। शिवा रेड्डी को अरेस्ट करोगे तो मुझे लगेगा मेरा बेटा जी। तुम्हें बहुत घट से बेटा, शिवा रेड्डी पर इतने केस और सबके सबूत भी हैं, वो नॉमिनेशन भी नहीं भर सकता, उसे भरने भी मत दो। उसकी आंखों के सामने ही ये सब ले जाकर कलेक्टर की टेबल पर रखो। हेलो शिवा रेड्डी, अब तुम्हारा राहु काल शुरू हो चुका है। तुम कभी मेरे चेले रहे हो इसलिए ये बता रहा हूँ, वो एसीपी सबूतों के साथ कलेक्टर ऑफिस पहुंच रहा है। नमस्ते शिवा रेड्डी भाई। वो एसीपी रूम है ना, उसके कलेक्टर ऑफिस तक पहुंचने से पहले उसको और उसको खलास कर देंगे।
से उसकी नौकरी फिनिश। यस, ब्रेकिंग न्यूज, जीप को खोकर हेलो हेलो कहकर भागता हुआ एसीपी अपनी गाड़ी को बचा नहीं पाया। एसीपी कैसा उड़ाया गाड़ी को, बेकार में परेशान मत हो, चल जा बेटा, जल्दी गाड़ी निकालो बे, भाई का जुलूस निकल रहा है। मुझे मारना चाहता था, लगता है अपन की बात ये समझ गया।